हेलो गाइस, वेलकम टू वाइस टॉक रिसर्च। सो नाउ वी विल प्रिपेयर फॉर टुमारोज मार्केट, दैट इज 23rd नवंबर। सो फर्स्ट निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, ठीक है। एंड अगर हम ये चीज़ नोट करें कि निफ्टी ने इस एरिया को 1, 2 and 3 टाइम्स टेस्ट किया है, ठीक है। ये एरिया आपका, आई विल गिव यू प्रिसाइज लेवल्स, इट्स 12765। नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो अगर हम शॉर्ट्स बनाएंगे तो हम इसी लेवल के नीचे बनाएंगे शॉर्ट्स, ऊपर नीचे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेट्स लुक एट अ 1 आवर चार्ट, एक घंटे के चार्ट पे देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। हमने बात की थी 765, राइट। सो फॉर एग्जांपल कल अगर मार्केट्स लेट्स से यहाँ कहीं ओपन होते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं और एकदम से ब्रेक लेते हैं, ठीक है। दिस इज द 50 EMA। देन अगर मार्केट एक पुल बैक देता है, ठीक है, एंड देन अगेन वी मेक अ रेड कैंडल, दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू शॉर्ट। ये पहले ही ब्रेक पे शॉर्ट लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमेशा पुल बैक में भी, पुल बैक यहाँ तक ना आए, यहाँ तक आए, वो ही हमको चाहिए, ठीक है। सो इसके नीचे जो पुल बैक आएगा हम उसको शॉर्ट करेंगे, ओके। ये बात हो गई शॉर्ट सिनारियो की। अब बात करते हैं कि ऊपर का क्या सीन है। अब देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 13,000 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है दिस लेवल, लेट्स मार्केट 13,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। सो एंड हम हैं अभी 12852 पे। इफ़ वी गेट्स अ सपोर्ट हेयर, अगर हमें यहाँ कहीं एक सपोर्ट मिल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ ओपन होते हैं, इधर आके हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, अगर हम यहाँ बाय कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बाय होता है 12820, 830 के पास, जो भी लेवल्स होंगे जब हम प्राइस एक्शन देखेंगे, दैट इज़ वेयर हम अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस, सेकेंड वुड बी दिस, सिंपल, ठीक है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, अगर हमें सपोर्ट मिलता है इधर तो 50 EMA का, राइट। सो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ है, बैंक निफ्टी भी इस हाई को, जो प्रीवियस स्विंग हाई था, इसको डिफेंड कर रहा है अभी। लेट्स कम बैक टू 1 आवर चार्ट। 1 आवर पे भी 50 EMA पे हॉल्ट हुआ है, यानी 50 EMA राइजिंग है, ठीक है। अगर हम डाउ थ्योरी देखें, ठीक है, ये आपका हो गया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। तो डाउ थ्योरी हमारी पूरी प्रॉपर बन रही है यहाँ पर। सो इस कायदे से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, राइट। सो नाउ इसके साथ भी सेम चीज है। एज सून एज वी आर बिलो लेट्स से 550, ठीक है, एज सून एज वी आर बिलो 550, 28, 550, आई वुड वॉन्ट टू गो शॉर्ट। ऑब्वियसली नॉट पहले ब्रेक पे नहीं, पुल बैक पे, ठीक है, पुल बैक में मैं बाय करना चाहूँगा, उससे शॉर्ट करना चाहूँगा। फॉर अ टारगेट, फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस, फर्स्ट टारगेट है आपका 27855, ठीक है। सो इट्स अ बिग टारगेट, अगर हम इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्रेक मिलेगा हमें।
और अगर हम ऊपर प्ले करते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग कि हम ऊपर कैसे खेलेंगे, अगर हम ऊपर की बात करते हैं, अगर कल फॉर एग्जाम्पल वी ओपन समवेयर हेयर, इफ वी पुश थ्रू, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी कैंडल बनाते हैं हम, ठीक है, अगर मेरे को प्ले करना होगा, अगर इफ माई प्रायोरिटीज बाय ओनली, वैसे तो मार्केट 50 EMA के ऊपर है, 200 day EMA के ऊपर भी है 1 hour chart पे, तो बायस होना चाहिए बाय के टूवर्ड्स ही, ठीक है, बट हम रेजिस्टेंस के पास या आप कह लीजिए प्रीवियस स्विंग के पास हैं, ठीक है, सो आई वुड वॉन्ट टू बी कॉशियस, मैं चाहूँगा कि मुझे एटलीस्ट यहाँ तक का फॉल मिल जाए और यहाँ से रिकवर करे तो एटलीस्ट मेरे को 300 पॉइंट और मिल जाएंगे डाउन मार्केट, तब अगर मार्केट पुश करती है तब वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी, ओके, सो एक ये है नज़रिया मेरा, सो आई हैव गिवन यू टू व्यू पॉइंट्स, वन इज अबव दिस, सॉरी 3 व्यू पॉइंट्स, सेकेंड इज यहाँ पर, और तीसरा है अगर हम इसके नीचे खोले, लेट मी, अगर हम इसके नीचे खोले, सस्टेन किया एक पुल बैक पे, फिर डाउन, दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू प्ले फॉर दिस लेवल, ये स्विंग लेवल भी हो सकता है, ठीक है, बट अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ओके, नाउ लेट्स गो टू स्टॉक्स, ICICI पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, लेट्स गो टू डेली चार्ट, डेली चार्ट पे इनसाइड बार बनाए, इनसाइड बार, ओके, दिस इज द इनसाइड बार, ये इनसाइड बार बना है हमारा, और अगर आप देखेंगे हम लोग लेट्स ड्रॉ फिबोनाची, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं एक बार, ठीक है, अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आप ये चीज़ नोट करिए, ठीक है, 1, 2, 3, now 4 times, 4 बार, दिस इज द फोर्थ टाइम स्टॉक इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल 0.382, ओके, रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर 453 के ऊपर, नोटेड डाउन, 453 के ऊपर कोई क्लोज नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्लोज हुआ बट नेक्स्ट डे वी फेल बैक, तो जितने भी सेलर्स ने इस मार्केट को गिराया था दे वर टू कॉन्फिडेंट कि हमने वी कैन रीच हेयर, बट नहीं हुआ वो, अगले दिन मार्केट गैप अप खुली एंड इट टुक इट अप, सो ऑब्वियस है ये सब के सब पानी के अंदर आ गए, सो दे विल कवर, राइट, सो जहाँ पर वी सस्टेन अबव 453, इट कैन बी 455, 456, अगर हम यहाँ खोलते हैं, इफ़ यू ओपन समवेयर हेयर हाई पे एंड एक अच्छी कैंडल बनाते हैं हम, बुलिश कैंडल, राइट, 15 मिनट्स पे या फर्स्ट 5 मिनट्स पे मैं इसके ऊपर बाय करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैं इसके ऊपर बाय करूँगा, ये मेरा बायस्ट है एंड मेरा टारगेट होगा 466, फर्स्ट टारगेट मेरा 466 होगा, क्योंकि फोर्थ टाइम ब्रेक कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर फोर्थ टाइम ब्रेक करती है तो चांसेस होते हैं कि वो उसको क्रॉस ही करती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग बायर्स हैं जो उसको क्रॉस करना चाहते हैं और अपनी पोजिशंस को यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं 442 पे, ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टॉक, टाटा कंज्यूमर्स, डेली चार्ट, टाटा कंज्यूमर फॉर सेवरल डेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से आप देखें अगर एक रेंज के अंदर है, ठीक है, जब भी स्टॉक्स इतने दिन किसी रेंज में होता है चांसेस होते हैं कि वो ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है, अब यहाँ पर बायस हमारे पास क्या है कि 50 EMA के ऊपर है, राइट, एंड अगर आप हम बिग कैंडल्स के ढूंढें यहाँ पर, हम प्रीवियस डेज में से अगर हम बिग कैंडल को ढूंढें तो बिग कैंडल आती है यहाँ पर, ठीक है, हम इसके हाई के ऊपर हैं, मेरा अगर शॉर्ट बायस होगा तो इसके लो के नीचे ही होगा, ठीक है, फॉर अ टारगेट दिस एंड दिस,
बट अभी हम इंट्रा डे की बात कर रहे हैं, तो इंट्रा डे पे आई वुड गो लॉन्ग अबव 523, ओके। इसमें मेरा लॉन्ग बायस है, शॉर्ट बायस नहीं है। मैं इसमें शॉर्ट ट्रेड्स नहीं खेल रहा अनलेस अंटिल मार्केट 497 के नीचे बंद हो एंड एक पुल बैक ले और वो फेल हो। हमें पुल बैक पे ही ट्रेड करना है, फर्स्ट कैंडल पर हमें ट्रेड नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज ने आप ये देखिए अच्छी खासा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है विद वॉल्यूम्स, ठीक है। सो अबव द हाईज ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉर बाय, ठीक है। ये रहा, जस्ट अ सेकेंड, अबव दिस लेवल इसके ऊपर मैं बाय करने का सोच रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये, अगर मार्केट सपोर्ट करती है। आप ये देखिए करेक्शन करेक्शन करेक्शन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट टू गो अप देन मे करेक्ट देन गो अप। अगर फॉर वंस समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमने यहाँ प्रिपेयर किया है कि हम यहाँ बाय करेंगे, बट लेट्स से मार्केट यहाँ ओपन हो जाती है, ठीक है, इट्स टू अबव आवर एंट्री पॉइंट, तो हम वेट करेंगे करेक्शन की। मे बी इसके लो के पास करेक्ट हो या इसके 50% पे, ठीक है, दैट इज वेयर वी गोइंग टू मेक आर पोजिशंस, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टॉक जो मेरा फेवरेट है कल के लिए, दैट इज भारती एयरटेल, राइट। भारती एयरटेल कल मेरा फेवरेट है एंड ये जो लेवल है 483, ये 200 डे ईएमए भी है डेली चार्ट पे, ठीक है। स्टॉक यहाँ रिजेक्ट हुआ था, आप ये देखिए स्टॉक यहाँ रिजेक्ट हुआ था देन यहाँ रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर वॉल्यूम टू बी वेरी फ्रैंक नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है इस लेवल पे, बट इसके हाई के ऊपर आई एम अ बायर, राइट, बिकॉज ये इसको 1, 2, 3, 4th टाइम टेस्ट कर रहा है, ठीक है, फोर्थ टाइम टेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर कोई लोग हैं जो उसको ब्रेक करना चाहते हैं, राइट। सो अबव 486, अबव 486 आई एम फॉर द बाय, राइट। टारगेट्स हमारे क्या होंगे, टारगेट्स हम पिविट्स को फॉलो कर सकते हैं, पिविट्स लेवल, पिविट लेवल्स आप डाल लीजिए, आप पिविट्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टीसीएस। टीसीएस में भी अगर आप नोट करेंगे काफी छोटा मूवमेंट हो रहा है, ये आप नोट करिए, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मार्केट, ठीक है। अब लेट्स मार्क द गैप, दिस इज अ गैप, दिस इज अ गैप, राइट। सो मार्केट सपोर्ट एरिया यहाँ पर, अब मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पर, राइट। सो एनी क्रॉसिंग अबाव 2680 और प्रॉब्ली 2690, लेट्स मार्क 2690, 2690 के ऊपर आई एम अ बायर फॉर दिस टारगेट एंड देन दिस टारगेट एंड देन दिस टारगेट, इसके ऊपर मैं बाय हूँ। सो गाइज दीज आर द स्टॉक्स फॉर टुमारो, ऑल द बेस्ट, ट्रेड वाइजली, पोजिशन साइजिंग का ध्यान दीजिएगा। सारे स्टॉक्स ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टॉक्स आपको फेवरेबल लगे, जो स्टॉक्स आपको बेटर लगे जस्ट ट्रेड देम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। थैंक यू एंड होप यू आर इन प्रॉफिट्स टुमारो, थैंक यू।